बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने हॉरर फिल्मों में काम किया है। कई बार वो भूतों से डरी तो कई बार भूतनी बनकर लोगों को डराया। इस कड़ी में ताजा मामला है जानवी कपूर का, जो अपनी अपकमिंग फिल्म रूही को लेकर चर्चा में है। फिल्म में वो एक ऐसी लड़की के रोल में है जिस पर चुड़ैल का साया है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। जानवी कपूर और राजकुमार राव की मच अवेटेड फिल्म रूही बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर भूत का किरदार निभाया हो। चलिए आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर डरावने और भयानक किरदार निभाए। विद्या बालन। विद्या बालन ने साल 2007 में आई फिल्म भूल भुलैया में भयानक किरदार निभाया था। इसमें वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी में दिखाई दी थी। विद्या बालन को उनके रोल के लिए काफी सराहा गया था। इस फिल्म के चलते उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया था। श्रद्धा कपूर। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री बड़े पर्दे पर हिट साबित हुई थी। फिल्म में श्रद्धा कपूर भूतनी के रोल में थी। वो शहर के पुरुषों को उठाकर ले जाती थी। फिल्म का ओ स्त्री कल आना डायलॉग बहुत हिट हुआ था। अनुष्का शर्मा। साल 2018 में आई फिल्म परी में अनुष्का शर्मा ने भी बिल्कुल अलग और डरावने अंदाज में नजर आई थी। बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन में अनुष्का ने सबको चौंका दिया था। इस फिल्म में अनुष्का का बहुत खौफनाक लुक दिखाया गया था। अनुष्का ने फिल्म फिलौरी में भी भूतनी का रोल किया था। साल 2017 में आई इस फिल्म में अनुष्का शर्मा के साथ दिलजीत दोसांझ भी थे, लेकिन इस फिल्म में भूतनी का किरदार डराने वाला नहीं बल्कि प्यार करने वाला था। करीना कपूर खान। करीना कपूर ने भी फिल्म तलाश में एक भूतनी का किरदार निभाया था। दिलचस्प बात ये थी कि करीना के किरदार को फिल्म के अंत तक किसी को पता नहीं चल पाया था कि वो एक आत्मा है। इस फिल्म में करीना का किरदार डरावना बेशक नहीं था, लेकिन क्लाइमेक्स में हुए पर्दाफाश ने फैंस का दिल जीत लिया था। बिपाशा बासु। बिपाशा बासु को तो हॉरर फिल्मों की क्वीन कहा जाता है। बॉलीवुड में उनकी शुरुआत ही हॉरर फिल्मों से हुई थी। राज थ्री, आत्मा और अलोन समेत उन्होंने कई डरावनी फिल्मों में काम किया। साल 2015 में आई फिल्म अलोन में एक्ट्रेस ने बेहद भयानक लुक ऑडियंस को दिखाया था। बिपाशा बासु ने फिल्म में एक प्रेत आत्मा का किरदार निभाया था जो काफी डरावना था। इस फिल्म में उन्हें भूत जैसा दिखाने के लिए काफी मेकअप किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।